लाला उठ जा, 3 बज गए। जी हाँ, अब आप होंगे अपनी मर्जी के मालिक और आपका स्टेटस आपकी मर्जी के बिना कोई नहीं देख सकता। आप जिसको चाहोगे वही आपका स्टेटस देखेगा। जी हाँ। ओहो, ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे ऐसे होएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, आप अपनी मर्जी के मालिक होंगे, ये हमारा दावा है। तो चलते हैं पहले ट्रिक की तरफ। तो ले आ लाला मोबाइल की स्क्रीन, यहाँ पर जल्दी से, देर मत कर। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको छोटी सी एक सेटिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको स्टेटस में जाना है, अपने स्टेटस में, और ये 3 बिंदु ऊपर दिख रहे हैं आपको, ये बिंदु, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे स्टेटस प्राइवेसी पे क्लिक करना है। अब आप चाहते हैं, ये पहली जो सेटिंग है, पहली सेटिंग क्या है? पहली सेटिंग में क्या होगा कि आपके स्टेटस जो है आपके कॉन्टेक्ट को दिखेगा, जो भी आपके मोबाइल में कॉन्टेक्ट सेव है उनको दिखेगा। दूसरी सेटिंग क्या है, ये दूसरी सेटिंग पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका स्टेटस जिन लोगों पे आप टिक मार लगा देंगे वो लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, गॉट इट। नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। लास्ट की ट्रिक है ओनली शेयर विद, जिनको आप टिक मार लगाओगे खाली वही आपका स्टेटस देख सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं देख सकता। दोस्तों चलते हैं दूसरी ट्रिक की ओर। दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक यह है कि आपके पास कई फ्रॉडी दोस्त होते ही होंगे, अनवांटेड दोस्त जिन्हें कहते हैं, खुफिया दोस्त होते होंगे, है ना? तो वो दोस्त आपको कई बार अनएक्सपेक्टेड फोटो भेज देते हैं, वीडियोस भेज देते हैं, और वो क्या होता है, आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाती है, आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाती है। तो आप चाहते हैं कि वो मैसेज आपके गैलरी में सेव ना हो, तो इसके लिए आपको एक सेटिंग करनी होगी अपने मोबाइल में। तो इस सेटिंग के लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों? इस सेटिंग के लिए आपको उस ग्रुप पे क्लिक करना है या उस बंदे के कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करने के बाद ऊपर क्लिक करना है जहां पर उसका नाम लिखा होता है, जैसे रामा पार्क रोड, इस पे हमने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो देखोगे आप मीडिया विजिबिलिटी लिखा हुआ है, ये देखिए मीडिया विजिबिलिटी। इसको नो कर दोगे तो क्या होगा, जो भी डाटा इस ग्रुप में आएगा या फिर मान लो एक कॉन्टेक्ट नंबर है इस कॉन्टेक्ट से आएगा, वो आपकी गैलरी में सेव नहीं होगा, ये ओनली व्हाट्सएप पे ही आपको शो करेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलते हैं तीसरी ट्रिक की ओर। तीसरी ट्रिक जो है दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, मान लो कई बार आप कहीं बैठे होते हैं और किसी दोस्त का मैसेज आ गया आपके पास, वो भी ऑडियो मैसेज आ गया उसके, उसको आपको सुनना है, आपके पास हैंड फ्री भी नहीं है ना, आपके पास लीड वगैरह कोई भी इंतजाम नहीं है, तो आप उसको कैसे सुनोगे? अगर उसको आपने क्लिक कर दिया हेलो 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 तो ऐसे बजने लग जाएगा वो। तो आप चाहते हो कि वो किसी को सुनाई ना दे, सिर्फ ओनली आपको सुनाई दे, वो भी बिना हैंड फ्री के, तो उसको कैसे सुन सकते? इस पे आपको बस ओनली टिक करना है, टिक करते ही कान पे लगा लेना है। अब जो आवाज़ आई थी वो मेरे सिर्फ कान में आई थी, बाहर आवाज़ नहीं आई। आई होप ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों चलते हैं लास्ट ट्रिक की तरफ। लास्ट ट्रिक क्या है? लास्ट ट्रिक ये है कि आप चाहते हो कि आप किसी का व्हाट्सअप देखो और उससे पता ना चले कि आपने उसका व्हाट्सअप देखा है। उसके लिए आपको एक सेटिंग करनी होगी, वो छोटी सी सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने किसी का स्टेटस खोला तो उसमें दिखाता है नीचे, ये देखो 51 बंदों ने ये स्टेटस देख रखा है। तो आप चाहते हो कि आपका नाम उस लिस्ट में ना आए, तो इसके लिए आपको एक सेटिंग करनी होगी। क्या करनी होगी? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में, व्हाट्सअप की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको अकाउंट में जाना है, अकाउंट के बाद प्राइवेसी में जाना है, और प्राइवेसी के बाद ये जो रीड रिसीव का ऑप्शन है ये वाला, इसको आपको अनटिक कर देना है। अब आप जिसका भी स्टेटस देखोगे वो किसी को नहीं दिखेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए और कमेंट करके बताइए हमें आपको कैसी लगी, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर दोस्तों। बंदी से झूठ बोला, गोवा जाने का प्लान था, मैंने मना करके दिल तोड़ा, अब उसका क्या जो 2 दिन गर्लफ्रेंड बात नहीं करने वाली, यारा तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी।